दो थैंक यू सर। इधर देखना जाए, जिधर से इंट्रो हो रहा है उधर से करना, जिधर से देखना, फिर जैसे जैसे मैं ले जाऊंगा सर। ओके चल रहा, वाइब्रेशन कर रहा है, सर रेडी रेडी सर। नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है KLPO के ऑफिस में, और आ चुके मैं बताता चलूँ आपको, आज वाकई खिदरपुर की सरजमीन के लिए एक बहुत ही तारीखी सांस दिन है। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर पटनायक साहब। सर आज जो टेस्ट होने जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ KLPO के लिए, स्पेशली पोचुदा के लिए, कि हमने ये मौका दिया, सबको ऐसा मौका मिलता नहीं सेवा करने का। चलिए उनके सामने हम तो कुछ नहीं, पर फिर भी कोशिश करते हैं, ये जब भी बुलाते हैं आ जाते हैं, क्योंकि यहीं मेरा 40 साल हो गया खिदरपुर में, तो ये मेरी मैंने अपना घर है। ये खेल के साथ हम लोग जुड़े हुए 10-12 साल तो हो ही गया, कैंप करते हैं। मेन जो है जो अच्छा था KLPO का या पचुदा का, कि जैसे शुरू हुआ 12-15 साल पहले, अभी जो मकाम में पहुंच गए हैं ये सबका बस का बात है नहीं। इसके लिए चाहिए डेडिकेशन, चाहिए मेहनत, चाहिए टाइम, चाहिए जो कि सबके मेंबर लोग पचुदा के अंडर में जो भाई भाई साहब कंधे मिला करते हैं, ये अच्छा लगता है। पटनायक साहब मेरा एक सवाल होगा सर यहाँ पे, कि जिस तरह से देखा गया कि इतना मसरूफ़, इतना बिजी शेड्यूल है सर डॉक्टर पटनायक का, और उसमें सर वक्त निकाल लेना 12-13 घंटा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए, सर ये किस तरह की प्लानिंग रहती है आपके लिए? देखिए मेरा पैदा हुआ था छोटा सा मिडिल क्लास परिवार में, और उस टाइम हम लोग भी बाकी कभी कष्ट गुजरे हैं, 9 भाई बहन थे, आप समझते हैं गवर्नमेंट सभी पिताजी थे। तो अम्मी अबू का कहना था बेटा तुम डॉक्टर तो बन गया, कि हमेशा टाइम निकाल के गरीबों का सेवा करना, तो ये मेरा अबू अम्मी का मान ये है, उनको मान के चलते हैं, कोशिश करते हैं, जब तक अल्लाह पाक किया तो भगवान मेरे को हाथ पे ठीक रखा है तब तो करते जाएंगे। आप लोग का दुआ और अल्लाह पाक का ये है, तो ये गाड़ी चलेगा, जब तक गाड़ी नहीं चलती तब तो करते रहेंगे। सरफुद्दीन से पोटुदा के लिए पटनायक सर क्या कहना चाहेंगे? सर कितना कीमती वक्त होता है सर जो दूसरों का दर्द को बांटना, सर ये बताएं। प्रॉब्लम क्या है कि सरफुद्दीन भाई जो है पोचुदा बोलते हैं हम लोग, उनके सामने हम लोग कुछ नहीं है। वो जिस मकाम पर पहुंच के KLPO को ले लिए हैं, हम तो देख रहे हैं इतने साल से, ये सबका बस का बात है नहीं। और उनका प्यार जो है हर ये में इतना हमको तारीख पड़ते, हमको कुछ शर्मिंदा लगता है, क्योंकि मैं हकदार नहीं हूँ, फिर भी उनका सामने उनका बात बोलना ठीक नहीं है, पर ऐसे आदमी खूब कम देखा है। डॉक्टर पटनायक सर 7,000 जब बुलाते हैं हम आ जाते हैं सर, 7,000 कॉस्टिंग आता है सर फेब्रो स्कैन का, लीवर का सर, और तकरीबन 200 पेशेंट का आज फ्री कर रहे हैं सर, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है सर? मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ सन कंपनी के जो आए हैं बंदे लोग, उनको आप फोटो का कैमरा दिखा सकते हैं, इनके लिए आज ये संभव हुआ, उनसे आप दो सवाल पूछ सकते हैं। नाजरीन आपको मैं बताता चलूं, जिस कंपनी की पूरी कोऑपरेशन होंगी हमारे बीच, और हमारे बीच ऐसी शख्सियत भी मौजूद हैं, द लोकल जर्नल्स की हर मुमकिन कोशिश अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ज़रूरतमंदों की और ज़रूरतमंदों के लिए जो लोग के मजबूर हैं, लाचार हैं, उनके किस तरह से उनकी परेशानी को दूर किया जाए, सर क्या कहना चाहेंगे आप? पटनायक सर के यहाँ पर हम मौका मिला है हम लोग को करने के लिए, यही यही मतलब सर सर बोले इसलिए हम लोग कर पड़ रहे हैं, यही यही बोलना है और कुछ नहीं, मतलब सर बोले इसलिए हम लोग सर्विस दे सकते हैं उन सबको, सर ही एसोसिएटेड किया है हम लोग। सर क्या कहना चाहेंगे पटनायक सर? वाकई आसमान के नीचे ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो सीने में दिल धड़कता है, और एक गरीब जो ज़रूरतमंद जिनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह के बाद जो है डॉक्टर्स ही दुनिया में माने जाते हैं, एक ज़िंदगी जो देता है सर मरीज़ को, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी महसूस होती है सर?
खुशी तो बहुत ही होती है। पटनायक सर हम लोगों को जितना मौका दिया है ये मिलता नहीं है सबको, और पटनायक सर का जो ही बोले वो कम है। हम लोगों को सन फार्मा जो है पेशेंट के लिए पेशेंट अवेयरनेस कैंप तो करती है, मगर ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। पटनायक सर से हम लोग को मिला है, हम लोग खुशनसीब है, और जितना कर सके वही हम कम है। बस नाज़रीन, कुछ सेकंड के बाद ही अब मैं बात करूँगा सरफुद्दीन साहब के साथ। वो कौन है, क्या चाहता है? मैं तो सबका भला चाहता हूँ। सरफुद्दीन साहब क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर एस पटनायक के लिए? आज़ाद, देखिए ये इनका खुलूस दिली है, इतना इनका मोहब्बत है जो इतना कुछ बोले। आप सब जानते हैं कि मेरा अब्बू का एक दोस्त आए थे एक बार दिखाने के लिए इनके पास, तो हमको वो बोल रहे हमारा नाम पकड़े पहुँचू, तो ये तो साक्षात भगवान के बोसी रेखे, जो हिंदू आदमी थे बोले तो तू भगवान के बोसी रेखे दी चीज़ एखे कि कोई चीज़ तुम कोथा थे इना के जोगाड़ कर ली एना साथ। उस वक्त इनका 5 महीना 6 महीना 6 महीना अभी वो पेशेंट देख रहे ज़्यादा, उस वक्त 5 महीना 6 महीना इनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। हमारा एक रिश्तेदार आया बांग्लादेश से इनको दिखाने के लिए, 3 लाख रुपया खर्चा हो गया, इनका फीस तो 2000 के अंदर है, लेकिन उनका रिश्तेदार सब कोई बोल रहा कलकत्ता जाएंगे तो पटनायक साहब वहाँ जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। तो वो आए 5-स्टार होटल में रहे, मार्केटिंग किए, बोले वो ऐसा डॉक्टर है इनका नाम का पीछे मेरा 3 लाख रुपया खर्चा हो गया। तो ये ऐसा एक शख्सियत है, ये ऊपर वाला का मेहरबानी है कि आवाम के बीच ये आते हैं, और जो एफर्ट नहीं कर पाता उनको फ्री में यहाँ वो देखते हैं, और हर किस्म का ये मतलब मदद करते हैं, हर किस्म का, दवा से लेके टेस्ट से लेके हर किस्म का 12 महीना। ऐसा नहीं कि इसके बाद जैसा हम अगर चिट्ठी दे देते तो फ्री में 12 महीना ये देखते हैं, उन अपना चेम्बर में भी फ्री में 12 महीना देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरफुद्दीन साहब। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, हवा का रुख बदलना चाहता हूँ। वो कौन है क्या चाहता है? मैं तो सबका भला चाहता हूँ। डॉक्टर एस पटनायक का द लोकल जर्नलिस्ट दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है, और ये दुआएं देता है कि ये जब तक जिंदा हैं इसी तरह से समाज के बीच समाज की ज़रूरतों को देखते हुए उनकी भी सेहत का ख्याल रहें। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया पटनायक साहब, थैंक यू।